हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये बेबी बूटी लेकर आई हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए। आप इसको गर्ल्स बॉयज किसी के लिए भी बना सकते हैं। साइज इसका 2 से 3 साल होगा। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि निडल नंबर क्या है, इसका साइज़ क्या है, वूल कितनी लगी है, उन लोगों के लिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये सारा रिटिन में दे देती हूँ लिख के, कि इसमें इसका फुल मेज़रमेंट सारा कुछ है ना। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इंट्रोडक्शन समझ के काट मत दिया कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद ही मैं बता देती हूँ, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए यहाँ पे ये 2 से 3 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगी। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर इसका सोल, इसमें मैंने कॉटन भरा हुआ है इसकी थिकनेस दिखाने के लिए। ये देखिए बहुत सुंदर बूटी है। यहाँ पे देखिए इसमें फ्लावर टाइप से ये डिज़ाइन आता है। नॉर्मल वूल यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, इसमें वर्धमान की रैबिट एक्सल सलाइयाँ जो है मैंने इसमें 10 नंबर की यूज की हैं। आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। और इसको अगर नीचे से सोल को नापें तो मैं आपको सोल को मेज़र करके बता देती हूँ कि इसका सोल कितना है। देखिए 5.5 इंच इसका नीचे का पार्ट है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बूटी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्धमान की रैबिट एक्सेल ली है, ठीक है, वर्धमान की बूल ली है रैबिट एक्सेल। और मैं यहाँ पे 10 नंबर का निडल यूज कर रही हूँ, ठीक है। और 41 मैंने फंदे डाले हैं। तो ये जो साइज़ है आपके 2 से 3 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। अब मैंने फंदे डालने के बाद अब क्या करना है ये देखिएगा। इस तरह से मुझे यहाँ पे एक फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरह से, अभी स्टार्टिंग में हम करीबन 10 सलाइयाँ सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाएंगे, मतलब फ्रंट साइड से भी उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए रो 1 मैंने बनाई है। अब मैं आपको बैक साइड से भी बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं एक फंदा स्लिप करूँगी और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाऊंगी। देखिए फ्रंट साइड से भी मैंने उल्टा बनाया था, अब रॉन्ग साइड से भी मैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लूँगी। तो इस तरह से करीबन मैं 10 से 12 सलाइयाँ बनाऊँगी और उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी कि आगे क्या करना है। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बना के कंप्लीट कर लिया है इतना पार्ट, एंकल वाला। यहाँ मैंने काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो धारियाँ आपने दिख रही हैं आपको, 6 धारियाँ मैंने बनाई हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर 12 सलाई बना ली हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे वो बताती हूँ। अब देखिए इसके आगे हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारे पास जितने भी फंदे हैं, हमारे पास यहाँ 41 स्टिचेस हैं, तो मैं इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लस हम 3 फंदे बचा के रखेंगे बीच में, जिसमें हमें ये वाला डिज़ाइन डालना है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो मैंने फ्लावर बनाया हुआ है, ये वाला आप डिज़ाइन डाल सकें, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से चल रहा है सॉक्स, तो 19 फंदे मैं यहाँ रखूँगी, 19 इधर, यानी कि 19 इधर, 19 इधर, बीच में 3 फंदे मैं रखूँगी डिज़ाइन के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे अब देखिए पहले मैं यहाँ पे ये फंदा स्लिप करूँगी और 19 फंदे इसे मिला के उल्टे बुनूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए 19। अब 19 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा मैं यहाँ पर पीछे लेकर जाऊँगी और ये जो 3 फंदे हैं 1 2 3, इन 3 फंदों को 5 बनाना है हमें, ठीक है। धागा पीछे लेके जाऊंगी और ये देखिए इन 3 फंदों को 5 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। अब इस तरह से हम एक निकालेंगे, तो एक फंदा हमने यहाँ बना लिया,
धागा अपनी तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये दो फंदा हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए ये हमने तीन फंदे बना लिए। एक बार और हम धागा इस तरह से करेंगे, फिर से एक बार इन्हीं तीन फंदों में से निकालेंगे। इनको हम गिराएंगे नहीं जब तक कि यहाँ पे ये पांच ना बन जाए, उसके बाद अब हम इनको नीचे गिराएंगे। तो देखिए ये पांच फंदे बन गए हमारे पास। अब ये 19 फंदे हमने फिर से 19 उल्टे बुनने हैं, जिस तरह से हमने ये वाले बुने थे। देखिए ये इस तरह से सभी फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बना लेना है। अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से भी ये रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, पूरी रो को उल्टा बना लेंगे, ठीक है। और जो हमने पांच फंदे बनाए थे उन्हें भी हम एक एक करके बना लेंगे। पीछे से हम कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे। देखिए अब ये हमारे वो पांच फंदे हैं जिन तीन फंदों से जो हमने बनाए थे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे इनको, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इन सभी 19 फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम फ्रंट साइड से आ गए हैं, ठीक है। ये दो सिलाइयाँ हमने बना ली, यहाँ पे हमने अपना ये डिज़ाइन डाल दिया। अब दो सिलाइयाँ में एक तरफ से सीधी, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई, फिर अब दो सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी फ्रंट साइड से सीधी और उधर से उल्टी। ये बीच का गैप है और बीच में हम फूल जो है वो अब नहीं डालेंगे दो इन दो सिलाइयों में। नेक्स्ट जो दो सिलाइयाँ जिस तरह से हमने ये बनाई है सेम वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई को हम सीधा बना लेंगे, फूल भी नहीं डालेंगे। जो हमने तीन फंदों से पांच फंदे बनाए थे हम वो भी नहीं करेंगे इस सिलाई पे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर वाला डिजाइन आ गया। पूरी सिलाई हम इसे सीधी बना लेंगे, इसके बाद जो पीछे से हम रॉन्ग साइड से उल्टी बना लेंगे पूरी सिलाई। तो अब ये देखिएगा मैं फ्रंट साइड से आ गई हूँ। फिर से एक सिलाई मैंने फ्रंट साइड से सीधे और रॉन्ग साइड से उल्टे बनाते हुए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से इधर से उल्टी सिलाई बनाएंगे और अपना ये डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सेम वैसे ही जैसे हमने अभी किया था, 19 फंदे बनाएंगे उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए 19 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए, एक फंदा मैं और बनाऊंगी क्योंकि पिछली बार हमने तीन फंदे से हमने पांच फंदे बनाए थे तो एक एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ गया। तो इस बार हम यहाँ 20 फंदे बुनेंगे और इस तरफ भी 20 बुनेंगे और फिर बीच के हम तीन रखेंगे, यही वाला डिज़ाइन। अब देखिए बीच के जो तीन फंदे हैं इनसे मैं पांच बनाऊंगी। देखिए 1 धागा अपनी तरफ और इसको अभी हम गिराएंगे नहीं। 3 हो गए धागा अपनी तरफ, 5 अब इसे हम गिरा देंगे। अब बाकी के 20 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और इसके बाद वाली सिलाई जो है रॉन्ग साइड वाली उसे भी हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद रॉन्ग साइड से हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर ये दो सिलाइयां जो हमने सादा बनाई इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी, ये इतना हम तीन सिलाइयां बना के कंप्लीट कर लेते हैं। एक सिलाई इधर से उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी, ये तीन सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, इस तरफ से सीधे और इस तरफ से उल्टी बना के, ठीक है। अब ये जो चार सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई हैं सेम यही प्रोसीजर हमें एक बार और रिपीट करना है। यानी कि दो सिलाइयाँ हमें बनानी यहाँ से 19 की जगह अब हम 20 फंदे बुनेंगे क्योंकि एक फंदा हमारा इधर उधर बढ़ गया, इसलिए अभी हम 20 फंदे बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ करके थोड़ा थोड़ा। देखिए इस तरह से
ये थोड़ा सा मेरा उलझ रहा है। इस तरह से देखिए उल्टा बनाते हुए हम पूरे 20 फंदे बना लेंगे। ये देखिए 20 फंदे मैंने यहाँ बना लिए। पिछली बार मैंने यहाँ पे 19 फंदे बनाए थे, एक एक फंदा हमने बढ़ा दिया, 3 का 5 किया था, तो एक फंदा हमारा इस साइड आएगा, एक इस साइड आएगा बढ़ा हुआ। अब हम फिर से देखिए 1 2 3 तीन फंदों का 5 बनाएंगे। देखिए सॉरी, धागा पीछे ले जाएंगे, सीधा बुनते हुए 3 फंदों का 5 फंदा बनाएंगे। देखिए 1, अब यहाँ 3 हो गए धागा अपनी तरफ, और ये 5। अब हम इनको निकाल देंगे। अब फिर से हम इन फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, बाकी के सभी 20 फंदे जो हैं हम उल्टा बना लेंगे। इसके बाद की जो सिलाई है एक, वो हम उल्टी बना के फिर हम एक सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई फ्रंट साइड से। अब रॉन्ग साइड से हम पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे, ठीक है, पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इसके बाद की जो 2 सिलाइयां हैं वो हम एक तरफ से सीधी और एक तरफ से उल्टी बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। हर बार डिज़ाइन की एक सिलाई बनेगी, उसके बाद फिर एक उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, हमें इस तरह से लाइंस बनानी है। चलिए अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ उल्टे सीधे की बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 फूल डाल दिए डिज़ाइन के, देखिए एक ये और एक ये, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करना है, डिज़ाइन तो सेम रहेगा, ठीक है, सेम डिज़ाइन रहेगा, जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। अब डिज़ाइन वाली सिलाई आएगी तो हम क्या करेंगे, जैसे एक एक फंदा हमारा इस साइड से बढ़ गया, यहाँ पे हमने 20 फंदे बुने, फिर 3 पे 5 बनाए, अब हम यहाँ 21 फंदे बुनेंगे, ठीक है, 21 फंदे बुनेंगे, फिर 3 फंदे पे हम 5 बना रहे थे अब तक, अब हम 7 फंदे बनाएंगे 3 के। दिखा देती हूँ, अब तक हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे यहाँ पे, अब हम 2 2 फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 21 फंदे बुनेंगे। अब ये देखिएगा 20 फंदे मैंने यहाँ पे ये बना लिए हैं उल्टे उल्टे। अब मैं धागा पीछे ले जाऊंगी, अब मैं यहाँ पे 3 फंदों पे जो है 7 फंदे बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 इस तरह से थोड़ा सा लूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा बना, इसे गिराएंगे नहीं, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, 6 और ये 7। अब इनको गिरा देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। अब नेक्स्ट, अब हमेशा यही करते हुए जाना है, अब हमें 2 2 फंदे ही बनाने हैं, यानी कि 3 फंदों का 7 फंदा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 21 फंदे बुने थे, तो इस बार जब हमारी ये डिज़ाइन वाली सिलाई आएगी तो हमारे पास 21 की जगह 23 फंदे होंगे। 23 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर हम 3 का 7 करेंगे, फिर 23 इधर बुनेंगे, फिर 25, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन वाली सिलाई बनाने के बाद एक सिलाई पीछे से उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, ये हम हर बार करेंगे। तो देखिए इसको हम कितना बना लेंगे, 2 फूल तो मैंने देखिए यहाँ से देखेंगे 1 2, यहाँ पे तो मैंने एक एक फंदा बढ़ाया, उसके बाद 1 2 3 4 4 फूल हम अभी और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन 4 फूलों में हम 2 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब ये देखिएगा मैंने यहाँ पे ये 6 फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 सिलाइयाँ बनाई, एक तरफ से सीधी एक तरफ से उल्टी। अब आगे हमें ये नीचे का जो बॉटम है ये पार्ट बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरह से,
देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है और हमने यहाँ पे उल्टा बनाया। अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड से भी हम वही करेंगे जो हमने फ्रंट साइड पे किया था, यानी कि पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये दो सिलाइयाँ हमारी हो गई। अब इसी तरह से मैं 8 सिलाइयाँ और बनाऊंगी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के, ठीक है। फ्रंट साइड से भी उल्टा बनाऊंगी और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए ये इस तरह से 5 धारियाँ आ जाए हमारे पास, 1 2 3 4 5, इतना मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये देखिएगा मैंने यहाँ पे ये टोटल 10 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं उल्टे उल्टे की, दोनों साइड से, फ्रंट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 धारियाँ आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे 61 फंदे हैं टोटल सिलाई पे, ठीक है। 61 फंदे हैं बढ़ाने के बाद। अब मैं इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 3 पार्ट में मैं किस तरह से डिवाइड करूँगी, इस तरफ मैं यहाँ पे 28 फंदे रखूँगी यानी कि 28, और 28 फंदे मैं इस तरफ रखूँगी। बचे हुए बीच में 5 फंदे हैं उनकी मैं एक पट्टी चलाऊँगी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सोल का जो लेंथ है, चौड़ाई, वो बढ़ जाएगी। अब पहले तो मैं यहाँ से 28 फंदे बुनते हुए यहाँ तक 28 फंदे बुन लेती हूँ उल्टे उल्टे। देखिए 2 3 4 5 27 और ये 28, ठीक है। अब देखिए ये 28 फंदे मैंने यहाँ बुन लिए। अब 28 फंदे मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। बाकी के जो बीच के 5 फंदे हैं ये वाले, इसमें से मैं, ये देखिए 5 फंदों को मैं इस तरह से बुनूंगी। देखिए 1 2 3 4, 28 फंदे के बुनने के बाद मैंने 4 फंदे ये बुने। अब पांचवा जो फंदा है वो मैं धागा पीछे ले जाऊंगी इस तरह से, और ये जो पांचवा फंदा है इसके साथ, देखिए इधर वाले 28 फंदे के साथ, 28वें फंदे के साथ मैं इस तरह से बुन दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी सीधा। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ के बीच के 5 फंदे ही बुनूंगी। देखिए पहला फंदा मैं स्लिप करूंगी, 1 2 3 और ये 4। देखिए मैंने ये 4 फंदे बुने। अब धागा पीछे ले जाके हर बार पांचवा फंदा जो है हमें इधर वाले फंदे के साथ 2 का 1 करना है सीधा बनाते हुए। ये देखिए अब हम यहाँ से फिर से टर्न हो जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, 1 2 3 4। अब देखिए जो पांचवा फंदा हमारे पास है ये, और इधर वाले सिलाई पे जो फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ धागा पीछे ले जाके सीधा बना दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी इस तरह से। तो इसी तरह से हम करते करते तब तक करेंगे ये हम, जब तक कि हमारी सिलाई पे ये बीच के 5 फंदे ना रह जाएं। ये सारे फंदे हमारे घट जाएंगे और साथ ही साथ ये नीचे का पार्ट जो है सोल, वो हमारा स्टिच हो जाएगा, ठीक है। सिलाइयों से हम उसे सिल लेंगे। देखिए 1 2 3 4, धागा पीछे ले जाएंगे, इसके साथ हम इसे बना देंगे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे फंदे घटते जा रहे हैं, कितने रह गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, देखिए अब हमारे पास यहाँ 26 रह गए। इसी तरह से घटते घटते हमारे पास बीच के सिर्फ ये 5 फंदे रह जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए 1 तो ये हो गया, 2 3 4, पांचवा फंदा हम धागा पीछे ले जाके ये पांचवा फंदा इस फंदे के साथ में सीधा बुन देंगे। हर बार ऐसा ही करेंगे। तो तब तक मैं ये बुनूंगी जब तक कि मेरे बीच में ये 5 फंदे ना रह जाए। 1 2 3 4, ठीक है, लास्ट में आ गए धागा पीछे, 5वें फंदे को इस वाले फंदे के साथ बना देंगे, ठीक है। अब बैक साइड आ जाएंगे, 1 2 3 4
और पांचवें फंदे को हम इन दोनों को एक साथ बना देंगे फाइव। अब देखिए इस समय सिलाई भी हमारे पास सिर्फ पांच फंदे रह गए हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे, चाहे तो आप यही पट्टी और लंबी बना लें और यहाँ पे इसके साथ जॉइंट कर दें, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ये सफिशेंट है, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा उतारेंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस फंदे के ऊपर से इसको गिरा देंगे, फिर एक उतारेंगे, इसको बनाएंगे और इस पे से इसको गिरा देंगे। ये देखिए देखिए, अब ये फंदे हम यहाँ पे बंद कर देंगे और धागे को थोड़ा लंबा काट देंगे, यहाँ तक इतना लंबा काट लेंगे। इसमें से इसे मैं क्रॉस कर दूंगी। अब ये जो धागा हमने काटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम स्टिच कर लेंगे उल्टी साइड से। अब देखिए नीचे सोल पे हमारा, हमने यहाँ ये जो सोल बनाया है, आपको बताऊँ ये पट्टी पाँच फंदों की अलग से बन के आई है यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको हम सुई में डाल लेंगे। देखिए ये वाली मैंने यहाँ पे सुई यूज़ की है, देखिएगा यहाँ पे इसको हम उल्टी साइड से कर लेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। इसका पहले ये सेंटर पार्ट ले लेंगे हम, देखिए ये इस तरह से, देखिए इस तरह से हम सिल लेंगे इनको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया। अब मैं इसे सीधा कर दूंगी और ये धागों को हम काट देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बूट बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बच्चे का बहुत खूबसूरत है और 3 साल तक के बच्चे को ये बहुत आराम से आएगा। ये देखिएगा, और आप चाहें तो यहाँ पे या इधर डोरी डाल लें अगर आपके बच्चे के पैर में ये लूज हो तो, ठीक है। तो आप वो अपने हिसाब से कर लें जैसा भी आपको सूटेबल रहे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय से सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को शेयर करें सभी के साथ जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं जूते बनने के बाद। तो थैंक यू।